अपनी माँ को ढूंढ रही हो बेटा? जी हाँ पापा, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ तो सोचा कि माँ को बता दूँ। बेटा अपनी माँ को तुम गलत पते पे ढूंढ रही हो। ये आप कैसा मजाक कर रहे हो पापा, बताइए ना माँ को। बेटा वो अभी इस कमरे में नहीं रहती। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, वो अब विद्या के साथ उसके कमरे में रहती है, मेरे साथ इस कमरे में नहीं रहती। पापा आप ठीक तो हैं? आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए। देखो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो मेरे साथ इस कमरे में नहीं रहती, विद्या के साथ रहती। मैं तो सिर्फ नाम का पति रह गया हूं बेटा। पापा ये आप ये कैसे? बेटे सभी ने मुझसे रिश्ते तोड़ लिए, सब मुझसे नाराज हो रहे हैं, खफा है। आप किसकी बातें कर रहे हैं? नेहा, उसने मेरे साथ सारे बंधन तोड़ दिए, सारे रिश्ते। और तुम्हारी मां, उसे मेरे साथ इस कमरे में रहना मंजूर नहीं, खफा है मुझसे। और मेरा बेटा जिसे मैं सारी दुनिया के सामने अपना बेटा कहना चाहता हूं, उसे भी मेरे साथ रहना मंजूर नहीं रहना चाहता हूं। पापा सब कुछ ठीक हो जाए, आप धीरज रखिए। क्या धीरज रखूं बेटा, क्या धीरज रखूं, बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। और मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम भी मुझसे यही कहोगी कि पापा मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती। बस आप अपने आप को संभालिए। पापा मैं मां से बात करती हूं, आप चिंता मत कीजिए। दाल चावल बन गए भाभी? बस जाके बनाते हैं। माँ कमरे बदल लेने से क्या रिश्ते बदल जाया करते हैं? निकिता इसके बारे में तुमसे मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ बल्कि आपसे सवाल करने आई हूँ। माँ आपको नहीं लगता कि आप इस बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रही हैं? माना कि पापा कुछ नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं लेकिन आप तो पुराने रिश्ते तोड़ने पर तुली हुई हैं। पापा के दिल में आपके लिए कभी प्यार की कमी नहीं आई, और अगर आपको अपना गुस्सा जलाना ही है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का क्या फायदा? अगर जाना ही है तो ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? पापा की जिंदगी से क्यों नहीं चली जाती आप? राम राम निकिता तू ये सब कैसी बातें कर रही है, और वो भी अपनी माँ से? वो कह लेने दीजिए जो मैं कहना चाहती हूँ। माँ अगर आपकी नजरों में पति पत्नी के रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं रही, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया तो फिर आप अपने गले में ये मंगलसूत्र और अपने माथे पर ये बिंदिया लगाकर क्यों घूम रही है? बुआ की तरह आप भी सफेद साड़ी क्यों नहीं पहन लेती है? क्योंकि जिनके पति नहीं होते वो बिंदिया। माँ मुझे इस थप्पड़ का जरा भी दर्द नहीं हुआ, क्या आप जानती क्यों? क्योंकि ये थप्पड़ इस बात का सबूत है कि आपके दिल में पापा के लिए प्यार अभी तक मरा नहीं। कमरे बदले जा सकते हैं, रिश्ते नहीं। वीर तुम उस दिन घर आए थे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अब उन बातों को दोहराने से क्या फायदा?
उस दिन मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर तो चला गया, लेकिन मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। देखो वही हुआ। वीर पापा को और मुझे, हम दोनों को इस बात का बहुत अफसोस है। अच्छा पापा आए थे ना तुमसे मिलने? कर्नल शर्मा मुझसे मिलने आए थे। कर्नल शर्मा? वीर तुम उन्हें पापा कहकर क्यों नहीं बुलाते? देखो पापा और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है उसे हमें सबके सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम हो कि ऐसे बेगानों की तरह बातें कर रहे हो, फिर तो जो हम चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो निकिता, मैंने तुम्हें अपनी बहन जरूर माना है, बस इससे ज्यादा मैं किसी और रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। वीर, अगर तुमने मुझे अपनी बहन माना है तो तुम्हें पापा के साथ अपने रिश्ते को भी कबूल करना पड़ेगा। पता नहीं तुमने अपने दिमाग में क्या क्या भर रखा है। देखो अगर तुम रिश्तों को सही नजर से देखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या तुम अपनी बहन को किसी अच्छी सी जगह पर लंच नहीं करवाओगे? अगर मेरी बहन के पास अपने शूटिंग के अलावा वक्त हो तो क्यों नहीं। चले चलो। अरे कहाँ जा रही हो निकिता? वैसे तो तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं वीर के साथ लंच करने बाहर जा रही हूँ। अरे वाह क्या बात है, वीर के साथ लंच? अरे भैया कभी हमें भी लंच पे ले जाया करो। वैसे एक बार बताऊं, इनके साथ दोस्ती करने से उतना फायदा नहीं मिलेगा। मेरे साथ दोस्ती कराओ, इनके जैसे 15-20 लड़कियों से दोस्ती करा दूंगा। बकवास मत कर, खबरदार एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। वीर छोड़ो इसे, जाने दो, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। वैसे भी खाना खाने जा रही हूँ ना, अब जब इसे हाथ लगा ही लिया है तो खाना खाने से पहले हाथ धो लेना। कॉलर नहीं पकड़ेगा? ये लो, ये मुंह मीठा करो। यू नो करण, साल भर से मैं यही सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में खुशी का पल अब दोबारा नहीं आएगा, मगर देखो आज मैं यहाँ हूँ इतनी खुश। थैंक्स टू यू। थैंक्स किस लिए? ओके पापा, सॉरी। ओके ओके, वन मिनट, सॉरी किस बात के लिए? खैर जब तुमने इतने प्यार से बोल ही दिया है तो हम दोनों चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात है शालिनी, आज तुम वाकई बहुत खुश लग रही हो। सब तुम्हारी वजह से करें, अगर तुम नहीं होते तो। एक बात बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उनकी जलन देखकर हुई। वैसे शालिनी एक बात बताओ, तुम्हें वाकई दीपक के जेलसी से खुशी हुई है? मेरा मतलब है कि तुम वाकई दीपक से उतनी नफरत करती हो जितना तुम दिखाती हो। कहीं तुम उसे पाने के लिए ये खेल तो नहीं खेल रही हो, उसके साथ ये नाटक कर रही हो? देखो करण, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, मैं दीपक के साथ नाटक कर रही हूं या नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर हाँ तुम्हारे साथ ना तो मैं कोई खेल खेल रही हूं ना ही कोई नाटक कर रही हूं।
जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें मैं एक मिनट का वक्त देता हूं। आप लोग बार खाली करके बाहर चले जाओ। आज के बाद इस बार को हमेशा के लिए बंद समझे। नहीं, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हम लोग ये बार बंद नहीं कर रहे। आप लोग एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए लेकिन अपने रिस्क पे। राम भैया, घर में तो कोई अच्छी खबर नहीं, कम से कम अखबार की कोई खबर सुना दो। अखबारों में भी आजकल कहां अच्छी खबरें होती हैं, वही चोरी चकारी मार काट। अच्छा देखो कौन सी पिक्चर लगी। राम राम, अब कौन आ गया? ठहरो मैं देखता हूं। ठीक है भैया, आप देख। नेहा, तुम क्यों हैरान हो गए मुझे देख? हाँ, आप सोच रहे होंगे जब मैंने आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ? आना पड़ा पापा, क्योंकि इस घर में मेरी माँ भी रहती है, जिनके साथ मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। माँ, जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? क्या यही कि आपने एक धोखेबाज इंसान के साथ एक कमरे में रहने से इनकार कर दिया? आपने बिल्कुल सही किया। उस इंसान के साथ कैसे रहा जा सकता है जिस पर आपको विश्वास ही ना हो? उसके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे कि दम घुट रहा हो। नेहा, ये क्या कह रही हो? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें यहाँ की बातें पता कैसे चल जाती है। दूसरे ये कि अपनी माँ को समझाने के बजाय तुम चार बातें और सिखा रही हो उसे। मैं क्या सिखाऊंगी पापा, मैं तो सिर्फ अपनी माँ का साथ है। क्यों, जब आपकी लाडली बेटी आपका साथ देती है तब तो आपको बुरा नहीं लगता? लगेगा भी क्यों, खुद की गलती किसी को नजर थोड़ी आती है। नेहा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। इस घर की सुख शांति बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? ये तो बहुत अच्छी बात हुई पापा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस घर की सुख शांति आप बर्बाद कर चुके हैं पापा। माँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी लाडली बेटी घर पर है या नहीं? जरा मैं उससे भी तो पूछूं कि उसने जो राय ली है, जो कदम उठाया है, वो सही है या गलत? कहाँ है वो बुआ? बेटा, अंदर अपने कमरे में होगी। मैं आती हूँ। आज ना जाने क्यों अपनी माँ में सिंदूर सजाने को मन चाह रहा है। किसके नाम पर सिंदूर लगाया जा रहा है क्या तुम जानती हो? सिंदूर सुहाग की निशानी होती है जो अब तुम्हारे पास नहीं है। वो मैं शूटिंग जा रही थी तो एक रोल के लिए मीका मैम। ओह आई सी, तो तुम्हें कोई नया रोल मिल गया है। क्या कहानी है इस फिल्म की? आई एम श्योर इस फिल्म में तुम किसी की अच्छी सहेली या अपनी ही बहन का पति छीनने वाली बनी होगी। वैसे इसके लिए तो तुम्हें एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है ना निकिता? बस नेहा, इतना ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, मुझे क्या जरूरत है बोलने की। वैसे निकिता, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हूँ? शुक्रिया है तुम्हारा और पापा का, जिन्होंने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। वैसे मैं यहाँ तुम्हारी राय लेने आई कि माँ ने पापा के साथ एक ही कमरे में रहने से क्यों इनकार कर दिया? बहुत ही गलत किया उन्होंने। नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम्हारा जवाब मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो निकिता, ये जो तुम बार बार कोशिश कर रही हो कि वीर इस घर में आ जाए, तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर दोहरा, मैं भी तुमसे बार बार कह चुकी हूँ कि वीर पापा का बेटा है और मेरा भाई है, और इस रिश्ते को मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मैं चाहती हूँ, वैसे भी मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है, क्या मैं सच कहूँ कि मेरे पास तुम्हारी फिजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं है? बदल जाती।